आगे जो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रश्नावली 13.1 है उसका, ये छठा क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया हुआ था कि एक चतुर्भुज ABCD है, वो एक वृत्त को अंतर से स्पर्श करवा रहा है, वो PQ RS बिंदुओं पे स्पर्श कर रहा है। तो दिया हुआ मैं एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की बुझाऊँ, ABBCCD और AD को PQRS पे स्पर्श करता है। अब सिद्ध क्या करना है कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं उनके द्वारा जो केंद्र पे जो कोण बन रहे हैं वो संपूरक है, यानी 180 डिग्री उनका योग है। तो यहाँ पे सम्मुख भुजा जो AB और CD है, इनके द्वारा जो केंद्र पे कोण बनते हैं वो AOB और इधर COD, इनका जोड़ 180 करना है। उसके बाद जो भुजा AD और BC है, इनके द्वारा जो कोण बनता है वो BAOD और ये BOC, इनका जोड़ 180 डिग्री सिद्ध करना है। तो ये अपने को यहाँ पे सिद्ध करना है। अब इसके अंदर रचना क्या करेंगे कि वो जो केंद्र है उनको PQR और S बिंदुओं से अपने मिला देंगे, इनको PQR और S बिंदुओं से मिला देंगे। तो ये वृत्त के क्या बन जाएगी, ये त्रिज्या का काम करेगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो अपने को दो त्रिभुज लेने हैं वो कौन कौन से, कि एक तो ये जो APO ये त्रिभुज है, एक इधर AOS ये दोनों त्रिभुज है। तो इन दोनों त्रिभुजों को अपने सर्वांग सम कर लेते हैं। तो इनको सर्वांग सम करने के लिए ये जो AO लाइन है ये तो दोनों में कॉमन हो गई है, दूसरा AP के बराबर ही है, AS ये दोनों क्या है भाई, ये बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं हो गई है जो कि लंबाई में बराबर होती है। और तीसरा इसके अंदर जो ये P और S इन दोनों बिंदुओं पे 90-90 डिग्री का कोण है, क्योंकि OP त्रिज्या है और AB स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंबवत होती है जो स्पर्श बिंदु से खींची जाती है। तो ये दोनों त्रिभुज AOS और AOP सर्वांगसम हो गए हैं। तो सर्वांगसम होने के बाद जो इनके संगत भाग है वो बराबर होते हैं। तो ये जो कोण एक और ये जो दो नंबर कोण है ये दोनों O बिंदु पर बनने वाले कोण हैं, यानी AOP और AOS ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AOP का नाम दो नंबर है और AOS का नाम एक नंबर है, तो ये कोण एक के बराबर हो जाएगा दो, जो कि इनके संगत भाग बराबर हो गए। अब इसी तरह अगर आप इधर ये त्रिभुज लेते हो BOP और इधर BOQ, तो इन दोनों के कोण से भाग बनेंगे, कोण तीन और कोण चार, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये जो आप लिख सकते हो इसी प्रकार, आपको बार बार त्रिभुज लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप अगर ऊपर वाले त्रिभुज लेते हो तो इसमें कोण पाँच और ये छः बराबर हो जाएंगे। अब आगे वाले ये दो त्रिभुज लेते हो तो कोण आठ और सात ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इनके बराबर होने के बाद ये अपने पास समीकरण बन गए चार। अब देखिए जो केंद्र पर बनते हैं उनका जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री। तो O बिंदु पे जो बनने वाले आठ कोण है, इन आठों का जोड़ कितना है, 360। तो इन आठों का योग लिख दिया है, कोण एक दो तीन चार पाँच छः और सात आठ, इनका जो जोड़ है वो कितना है, 360। अब अपने को जो कोण लेकर आना है वो, अगर आप ये AOP और COD लाना चाहते हो तो इनमें कौन कौन से कोण है, दो नंबर तीन नंबर छः नंबर और सात नंबर, इन कोणों को आप रखोगे, बाकी को आप रिप्लेस कर दोगे। तो रिप्लेसमेंट है वो एक को आप दो से कर दोगे, आप चार को तीन से कर दोगे, आप पाँच को छः से कर दोगे और आठ को सात से कर दोगे। तो यहाँ पे अगर आप AOD और BOC लाना है तो आप दूसरे रिप्लेस कर दोगे। तो जो अपने को लेकर आना है पहला रिजल्ट AOB और COD, तो AOB में दो नंबर तीन नंबर छः नंबर और सात नंबर कोण है, इनको तो रखना है। तो कोण एक का रिप्लेसमेंट किससे कर देंगे, अपने कोण दो से कर देंगे। कोण एक का रिप्लेसमेंट दो से हो गया, तो एक की जगह लिख दिया कोण ये दो, आगे दो की जगह दो है ही। फिर जो अपने को तीन नंबर लेकर आना है तो तीन की जगह तीन है, और चार का रिप्लेसमेंट किससे कर देंगे, तीन से। फिर जो छः और सात है इनमें अपने को योग लेकर आना है, तो जो पाँच है उसकी जगह लिख देंगे ये छः, छः की जगह छः ही रखेंगे। अब जो इधर आठ और सात है तो आठ और सात में अपने को सात लेकर आना है, तो सात की जगह तो सात रख लेंगे और आठ का रिप्लेसमेंट सात से कर देंगे। तो ये दो तीन छः और सात ये चारों कोण है ये डबल हो गए हैं, तो दो कोण दो, उसके बाद में दो कोण तीन, दो कोण छः, दो कोण सात, तो इनमें से दो कॉमन आ गए। दो को मनाने के बाद कोण दो तीन छः और सात का योग कितना है, 360। ये दो इधर पक्षांतरण हो गए, अपने पास भाग में आएगा तो ये आ गया 180 डिग्री आएगा। तो अब जो कोण दो और तीन है ये किसका योग है, AOB है इनका योग, और छः और सात जो है वो किसके योग, COD के बराबर है। तो इनका जोड़ कितना आ गया, 180। तो AOB और COD का जोड़ 180 है। तो इसी प्रकार जो दूसरा है, दूसरा रिजल्ट अपने पास है वो अभी जो रिजल्ट आया है वो
AOB और COD, और जो दूसरा रिजल्ट है वो क्या आएगा, AOD प्लस BOC, इन दोनों का जोड़ भी कितना है 180। तो ये दूसरा रिजल्ट आप इसी प्रकार लिख सकते हो, पहला रिजल्ट अपने पास आ गया है AOB और COD बराबर 180, तो दूसरा है वो इसी प्रकार AOD प्लस BOC बराबर 180। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 13.2 का चौथा, जो कि 3 नंबर में पूछ सकता है। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ था, इस डायग्राम में कहा था कि जो एसी विकर्ण है वो कोण सी को समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो पी क्यू स्पर्श रेखा है वो इस बी डी विकर्ण के समांतर है। तो देखो, समांतर सिद्ध करने के लिए अपने को एकांतर कोण बराबर करो या अंतः कोणों का योग 180 करो या संगत कोण बराबर करो, तो ये अपने को कंडीशन लेकर आनी है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या है, विकिरण ए सी है वो कोण सी को समद्विभाजित करता है, और सिद्ध क्या करना है, ये पी क्यू है वो बी डी के समांतर है। अब देखिए, आप सबसे पहले जो कोण, ये जो अगर आप इन कोणों को बी ओ, ये बी सी ए ऐसे लिखोगे, इससे अच्छा है कि इनको आप नंबरिंग दे दो। तो ये 1, 2, 3, 4 इनकी जरूरत पड़ेगी अपने को, तो इनका नंबरिंग आप कैसे भी दे सकते हो। तो 1, 2, 3, 4 जो कोण लिखे गए हैं, इनमें एक के बराबर तो ये 2 दिया हुआ है। ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि कोण सी का समद्विभाजित है वो विकिरण ए सी कर रहा है, तो 1 के बराबर 2 है। अब कोण 1 और ये जो 3 है, कोण 1 और ये 3, ये दोनों एक ही वर्तखंड के कोण है, क्योंकि इसका चाप है वो डी ए है, और कोण 1 का चाप भी कौन सा है, डी ए है। तो ये एक ही चाप के द्वारा बने हुए कोण है, तो कोण 3 और 1 ये क्या है, बराबर है, एक ही वर्तखंड के कोण हो गए। तो दोनों जो समीकरण नंबर 1 और जो 2 है, इन दोनों में ही ये कोण 1 को मना गया है, तो 1 / 2 से क्या रिजल्ट मिलेगा, ये जो 2 और 3 है ये दोनों कोण हो गए हैं बराबर। अब देखिए, यहाँ पर 2 के बराबर अपन ने कर दिया है 3। अब जो कोण 2 है और वो कोण से जीवा पे बना हुआ है, इसे ए बी जीवा पे बना हुआ है, तो इसके साथ स्पर्श रेखा कौन सा कोण बना रही है, 4 नंबर कोण बना रही है। तो 4 और कोण नंबर 2, ये दोनों कोण है वो एकांतर वर्तखंड के हैं, अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल हैं, तो ये 2 के बराबर हो गया 4। अब दोनों में 2 को मना गया है, तो ये 3 के बराबर क्या हो गया, 4। अब देखो, 3 और 4 यहाँ पर जड की आकृति बन रही है, तो 3 के बराबर जो 4 है, तो ये दोनों कोण से कोण है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण अगर यहाँ बराबर है, तो ये दोनों जो लाइन है ए पी की ओर है बी डी, ये दोनों क्या होगी, समांतर। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि ये दोनों कोण पी की ओर है जो बी डी है, इनके बीच में बने हुए हैं, और इसे बी लाइन के विपरीत ओर बने हुए हैं, तो ये एकांतर कोण है, तो ये दोनों बराबर है, तो बराबर होने की वजह से पी क्यू के समांतर क्या हो गई है, बी डी। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एग्जांपल नंबर 4। ये एग्जांपल ये 6 नंबर के अंदर पूछ सकता है। तो इसमें ये डायग्राम है ये दिया हुआ है, तो इस डायग्राम के अंदर जो मैंने ए वगैरह ये तो माना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डायग्राम के अंदर सिर्फ ये दिया हुआ था कि ए बी को, ए एम को, एम बी को, इस ए सी को, इनको जो व्यास मानकर ये अर्धवर्त खींचे गए हैं, उसके बाद एक अंतर्वर्ती जो खींचा गया इसके अंदर, जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। तो ये इनको पी के ऊपर स्पर्श करता है, इधर आर पे स्पर्श कर रहा है। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि ये जो ए बी है, इसका 1/6 है वो छोटे वाले जो अंतर्वर्त बना हुआ है पूरा, इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इसमें देखिए आप कि ये जो 4 पार्ट है, ये चारों पार्ट बराबर क्यों हैं, क्योंकि ये पूरा जो ए बी है, ये जो पूरा ए बी है, ये बड़े वाले इस अर्धवर्त का व्यास है, इस अर्धवर्त का व्यास है, तो ये अम तक ये इसकी क्या हो गई है, दोनों ही त्रिज्या हो गई है। तो ये अम तक दोनों इसकी जो त्रिज्या है वो कौन सी है, ए एम और एम बी, ये दोनों बराबर है। तो ये आप लिख सकते हो कि ए एम के बराबर एम बी बराबर है। अब इस ए एम जो इसको व्यास मानकर, इसको व्यास मानकर ये अर्धवर्त बनाया गया है, इसको व्यास मानकर ये अर्धवर्त बनाया गया है, तो ये दोनों इनके व्यास है। तो ए सी के बराबर सी एम बी होगा, और इधर एम डी के बराबर डी एम बी होगा। तो ये पूरे जो वर्त है उसके ये पार्ट थे, तो इस कारण ए सी सी एम जो एम डी और डी एम, ये चारों पार्ट क्या है, बराबर है। और जो ये अंतर्वर्त बना हुआ है, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, 8 दी गई है। तो इस पूरी जो ए बी को है, इसको मैंने ये 4 पार्ट इक्वल है, तो इसको 4 ए मान लिया, ये 4 है, तो ये और ये दोनों कितने हो जाएंगे, 2 ए हो जाएंगे। उसके बाद ये पूरा जो ए एम है, ये इस छोटे वाले अर्धवर्त का व्यास है, तो ये यहाँ तक त्रिज्या है इसकी,
तो ये कितनी हो जाएगी, ये ए, और ये भी कितनी हो जाएगी ए, इधर ये भी एम डी बी ए और डी बी भी कितनी हो जाएगी स्मॉल ए, तो ये चारों ए हो जाएंगे। अब देखिए ये जो सी पी है ये भी इसका क्या बन रहा है, त्रिज्या बन रही है, तो ये भी ए हो जाएगी। अब ये जो समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ पे, इस समकोण त्रिभुज के अंदर अपने को पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो व्यास है इसका और ये इस पर जो ये अर्धवृत्त है इसका व्यास है, लेकिन ये जो ये वृत्त ऐसे घूम के पूरा आता है तो ये इसकी स्पर्श रेखा बन रही है यहाँ पे, तो ये इसकी त्रिज्या है। तो यहाँ पे ये कोण कितने का बना हुआ, ये कोण है वो 90 डिग्री का होगा। तो जो समकोण त्रिभुज बनेगा ये सी एम ओ, इसमें अपने पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपने उत्पत्ति में लिख दिया है कि ए बी कितना मान लिया है चार, उसके बाद ये ए एम एम बी एम आर ये कितने हो जाएंगे, ये ए एम ये यहाँ तक, एम से बी तक, और ये एम से ऊपर जो आर तक है, ये आर तक, ये जो ये तीनों ही कितने हो जाएंगे, ये तीनों ही हो जाएंगे दो ए, क्योंकि ये जो पूरा अर्धवृत्त है बाहर वाला इसकी क्या है, ये इनकी त्रिज्याएं हैं, तो ये कितनी हो गई है दो ए हो गई है। अब ए सी सी एम, ये जो ए सी सी एम एम डी डी बी और ये जो डी क्यू है ये, और इधर ये सी पी, ये कितने हो जाएंगे दो ए बटा दो, कितने हो गए हैं ए हो गए हैं। अब समकोण त्रिभुज जो कौन सा है सी एम ओ, इसके अंदर देखिए आप कि ये जो भुजा है ये सी एम तो कितनी होगी, ये ए होगी, ये पूरी जो लाइन है ये कितनी थी दो ए थी, तो ये इसकी त्रिज्या है ये आर कम हो गई है, तो ये कितनी बच गई है जो नीचे वाली लाइन है, ये जो नीचे वाली जो लाइन है ओ एम ओ कितनी बच गई है, पूरी ये कितनी थी, ये पूरी थी दो ए, इसमें से ये आर कम हो गई है, तो ये कितनी बच गई है दो ए माइनस आर। और ये जो सी ओ है, ये सी ओ इसके अंदर कौन कौन सी भुजाओं का योग आता है, ये सी पी प्लस पी ओ का जोड़ आता है, तो सी पी तो कितना है ये स्मॉल ए है, और ये कितना है आर है, तो ये कितनी हो गई है ए प्लस आर हो गई है, तो इनका जोड़ हो गया है ए प्लस आर। अब समकोण त्रिभुज के अंदर जब आप उदयन प्रमेय लगाओगे तो क्या होगा कि ओ सी का स्क्वेयरीकरण हो गया बराबर सी एम स्क्वेयर प्लस एम ओ स्क्वेयर हो गया। अब ओ सी कितना है ए प्लस आर का स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर प्लस एम ओ कितना है दो ए माइनस आर का स्क्वेयर। अब यहाँ पे आप ए प्लस बी का होल स्क्वेयर वाली आइडेंटिटीज लगाओगे तो इसका तो क्या हो गया ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस दो ए आर, आगे प्लस का ए स्क्वेयर था ही, दो ए माइनस आर का स्क्वेयर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि दो ए का स्क्वेयर होगा प्लस आर का स्क्वेयर होगा, और प्लस करके ये जो आगे है ये आप प्लस करने के बाद ये जो माइनस का ये दो ए और आर होगा ये क्या हो जाएगा इसके गुणा में दो होगा। अब उसके बाद में यहाँ पे आप इसको ओपन करोगे तो ये दो ए माइनस आर का जो स्क्वेयर है ये क्या होगा, ये दो ए का स्क्वेयर होगा प्लस आर का स्क्वेयर होगा, और माइनस दो इंटू में दो ए इंटू में आर होगा। तो इस फॉर्मूले से अपन ओपन करेंगे तो ये चार ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस दो इंटू दो करोगे तो ये चार ए आर हो गया। अब यहाँ पे जो कैंसिल होने वाले पार्ट हैं उन कैंसिल होने वाले पार्ट में ए स्क्वेयर है वो ए स्क्वेयर से हो गया, आर स्क्वेयर है वो आर स्क्वेयर से हो गया। अब जो बाकी रिमेनिंग पार्ट बच गए हैं उनको अपन लिख देते हैं, तो कौन कौन सा बच गया है, ये दो ए आर और इधर क्या है चार ए आर और चार ए स्क्वेयर बचा हुआ है, तो इनको लिख दिया गया है दो ए आर बराबर चार ए स्क्वेयर माइनस चार ए आर। अब ये जो चार ए आर है इसका पक्षांतरण आप कर दोगे लेफ्ट साइड में तो दो ए आर में ये चार ए आर जुड़ जाएगा और बराबर कितना है ये चार ए स्क्वेयर, तो ये कितना हो गया अच्छा ए आर बराबर क्या है चार ए स्क्वेयर। अब जो एक ए से है वो आप इधर ए स्क्वेयर की जो एक पावर काट सकते हो तो छः आर बराबर कितना हो गया चार ए। अब आर का मान निकालना है तो छः इधर गुणा में है तो ये इसके बटा में आ जाएगा चार ए बटा में छः हो गया। अब चार ए क्या था ए बी था तो चार ए की जगह लिख दिया ए बी और ये क्या है बटा में छः है तो इसका वैसे लिख सकते हो एक बटा छः इंटू ए बी, तो ये यहाँ पे आपको सिद्ध करना था आर बराबर एक बटा छः इंटू ए बी। तो ये अच्छा एग्जांपल है उदाहरण नंबर जो फोर है, आप इसको बोर्ड एग्जाम में ध्यान से कीजिएगा, छः नंबर में पूछ सकता है। तो आप वी के सी जो मैथ सॉल्यूशन ये चैनल है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जो भी वीडियो है उन पर आप कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप आगे भी इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो, और बेल आइकन है जो इसके पास में उसको आप प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते हुए उसका जो नोटिफिकेशन है आपको मिले और आप तुरंत वीडियो देख करके और बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। तो आपका दिन
शुभ हो और आप अच्छी तैयारी कीजिए और आप बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आइए, ये हमारी दुआ है।